हेलो बच्चों, क्या सीरीज में बहुत स्वागत है आपका। तो यार, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे पास में इन दिनों काफी जो आ रहा है बच्चों से, जब से जेई मेन की फोर्थ अटेम्प्ट हुआ है, क्या सर, और ये स्पेशली 12th क्लास वालों का और कुछ 13th वालों का है, मेजरली 12th क्लास वाले बच्चों का क्वेश्चन है ये, क्या सर मैं अभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं और साथ में ड्रॉप लूं क्या कॉलेज में रहते हुए, ताकि सर मेरा 1 साल भी बच जाए और अगले साल अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरा उसी कॉलेज में कंटिन्यूएशन हो जाए, 1 साल बिगड़े नहीं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब यार इसका आंसर जो है ना, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से जितने बच्चे मैंने देखे ना, जो जो भी केसेस मेरे ध्यान में आते जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस साल की अगर मैं बात करूँ तो मैं दो ऐसे बच्चों को जानता हूँ पर्सनली, मतलब इसराइल के बच्चे हैं वो, 99.5% के परसेंटाइल के ऊपर आई है उन दोनों की। एक ने किसी NIT में एडमिशन ले लिया था और एक ने ट्रिपल आई टी DM जबलपुर में एडमिशन ले लिया था क्लास 12th में, लेकिन वो अपनी रैंक से सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने वहां रहकर तैयारी करी और इस बार उनके 99.5 से, एक के तो 99.8 समथिंग है, तो पिछली बार से उन दोनों ने इम्प्रूव करा है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऑलरेडी डिसेंट इनफ कॉलेजेस हैं, एक तो NIT में था और एक IIIT DM में था, है ना। इसमें एक पहलू तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा पहलू है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया था लेकिन उन्होंने इस बार का एग्जाम तक भी नहीं दिया है। देखो कारण क्या होता है, एक बार मैं आपको पूरा पर्सपेक्टिव बताता हूं, एक बार हम कॉलेज में चल जाते हैं, ये दूसरी साइड ऑफ कॉइन है, एक बार हम कॉलेज में चल जाते हैं ना तो यार सबसे पहला तो कॉलेज का प्रेशर भी आ जाता है। ऐसा नहीं यार, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपको कुछ नहीं करना है वहां पर। जेई जैसा एग्जाम इटसेल्फ एक इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि जब आप यार पूरी ताकत लगाकर उसमें रैंक फोड़ना मुश्किल होता है तो पार्शियल माइंड सेट के साथ में और मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए एक बार आप कॉलेज में चल जाते हैं, वहां तो बाकी लोग सब मौज मस्ती और आगे के लाइफ के लिए सोच रहे होते हैं, आप उनके साथ में रहते हैं, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जेई की तैयारी का, एक तो कॉलेज टाइम खाता है, दूसरा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता है। तो ग्रेजुअली बच्चे भी जो है ना कुछ हफ्तों के बाद में उसी मूड में आते हैं, यार अब कॉलेज की फर्स्ट ईयर की लाइफ तो एंजॉय कर लें, वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं सही बता रहा हूं, तो पूरा फोकस चले जाता है और फिर वो उसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है यार जो मिल गया वो असल है, वो ये नहीं सोचते कि हमने क्यों लिया था, तो इट्स वेरी रिस्की। दूसरी चीज ये है कि यार आप जब एक सेफ गार्ड हो जाते हैं ना, अगर आपने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप सेफ्टी आ जाती है ना, तो यार आपकी उतनी मेहनत करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। आपको पता है यार एडमिशन तो ले ही लिया यार, ठीक है जेई में नी भी होगा, बढ़िया कॉलेज नी भी मिलेगा तो यार मैं काम चला लूंगा, आप में उतना जुनून नहीं रह पाता। मैं जनरल 99% बच्चों का जो साथ केस होता है ना वो आपको बता रहा हूं, देखो 1% हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, वो दो बच्चों की कहानी मैंने आपको बताई। जैसे यार अभी आप देखो करण गौतम, उसको फेब्रवरी अटेम्प्ट के बाद में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई थी उसको तो, लेकिन उसने नहीं ली। प्रतीक सर का ये वीडियो देखा था उसने कि यार अभी ये गलती मत करना, पूरे फुल फ्लेजेड तैयारी करो और फोड़ो, और देखो उसने 4 महीने में 99.8% मार दी। अगर वो प्राइवेट कॉलेज में चल जाता ना तो आज 99.8% भी नसीब नहीं होती, अब उसको यार बेस्ट ऑफ वन ऑफ दी बेस्ट NITs मिल सकती है। तो यार अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो यार ये बहुत, और स्पेशली क्लास 12th वाले, तो बहुत रिस्की बिजनेस है यार, ये रिस्की काम है ये। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो ना तो आप फुल फ्लेज्ड तैयारी कर पाओगे ना वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो यार मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके मन में जुनून है ना, इच्छा शक्ति है, तो आप फिर फुल फ्लेज्ड सिंगल माइंडेड फोकस जेई के लिए ड्रॉप लो, क्योंकि जो मैंने दो कारण बताए, एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपकी सेफ्टी नेट हो जाएगी, और तीसरा फोकस लूज हो जाएगा, तीन कारण जो हैं इससे आपका जेई क्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो यार मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आपके अंदर अगर जुनून है और आपको चांस लेनी है ना तो यार पूरा चांस लो, फुल फ्लेजेड बिना किसी प्राइवेट कॉलेज कंप्यूटर साइंस या कोई सी ब्रांच मिल रही है उसमें ना जाए बिना फुल फ्लेजेड तैयारी करो, ठीक है। और वैसे भी यार इस साल टाइम बहुत कम है, अगले साल बहुत जल्दी, वी डोंट नो नेक्स्ट ईयर 2022 में कब जेई मेन होने वाला है पहला, ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर का महीना जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तब आ चुका होगा, ठीक है। तो टाइम वैसे भी बहुत कम है, तो यार मैं ये रिकमेंड करूंगा, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है वो देखते हुए यार, कि
कि अगर आपके मन में इच्छा है ना, नहीं यार मेरे को तो टॉप कॉलेज में जाना है, मेरे 4 साल जिंदगी का सवाल है, एक तो करण गौतम का वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना, और तो फिर आपको क्या करना है यार, फुल फ्लेजेड फोकस रखो। आपको मेरे को पता है पेरेंट्स को भी कन्विंस करना होगा, ये प्राइवेट कॉलेज वाला एक इजी रास्ता दिखता है, इट्स एन इजी पाथ बट इट्स नॉट अ सक्सेसफुल पाथ। टफ पाथ यह है कि यार नीचे कोई सेफ्टी नेट नहीं रखी और पूरा फुल फ्लेजेड तैयारी के लिए जूझ गए, उसमें अपना पूरा 100% दोगे, आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई और एक्टिविटी नहीं होगी, तो गिव योर 100%। और यार सोचना है तो वैसे भी सोच लो यार, मतलब अगले साल भी वो प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं भी हुआ बाय चांस तो यार वो प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है यार, एक साल आपके मन में जिंदगी में तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं करा, तो गो बाय 100%, ठीक है। और यार एक डेटा और मैं बताता हूँ आपको, जो आप NITs और IITs का डेटा देखोगे ना, तो अराउंड 50% बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो 13th में होते हैं, ड्रॉपर होते हैं वो। कई बच्चों को 3 साल लगता है यार, टफ एग्जाम है, सो डोंट वरी, गिव योर 100% टू योर ड्रीम्स, ड्रीम्स मत छोड़ो यार, जिंदगी में ये फेज एक बार ही आएगा, गो फॉर इट, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर बैच लेना चाहते हैं यार, ई सरल ने वॉरियर लॉन्च करा है फॉर ड्रॉपर, ठीक है, इसका वीडियो हमने बना दिया है, वॉरियर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इंडिया का पहला ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान्स वाला कोर्स है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट आपके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल के साथ में ये कोर्स है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मचाना है, फोड़ना है, और मैं चाहूंगा यार आपकी सक्सेस स्टोरी बने, यार आपने कैसे डेयर करा और फोड़ के दिखाया। ऑल दी बेस्ट।